मोहनपाल जी बताइए, जल मिशन योजना की शुरुआत कब हुई थी? जल मिशन योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को हुई थी माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। बहुत बढ़िया, एक बार इनके लिए क्लैपिंग हो जाए, जोरदार तालियां। सवाल ध्यान से सुनिएगा, जल मिशन योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति को कितने लीटर पानी मिलना है? पहले हाथ खड़ा कीजिएगा, आप बताइए। 55। क्या नाम है आपका? विनय। विनय बताओ सवाल कि प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी मिलेगा? 55। नहीं, 55 लीटर पानी मिलेगा ना जी। लेकिन उस पानी को करना क्या है, किस लिए है? वो पीने के योग्य और खाना बनाने के लिए, हर काम में नहीं। वो जो 55 लीटर पानी मिलेगा वो सिर्फ आपके खाना बनाने और पीने के लिए होगा। बाकी जो पानी आप लोग यूज करते हैं डेली यूज के लिए, कपड़ा धुलने के लिए, नहाने के लिए, आप लोग वही पानी यूज करेंगे जो आप लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। व्यक्ति को ये आप लोगों को ध्यान रखना है, वो पानी सिर्फ खाना बनाने के लिए और पीने के लिए ही होगा। जैसा कि सर ने आपको बताया, वो सिर्फ केवल खाना बनाने के लिए और पीने के लिए होगा, ठीक है। मेरा अगला सवाल है, हर घर में जो एक टोटी का कनेक्शन दिया जाना है, आप लोग मेरे सवाल को ध्यान से सुने, प्रत्येक घर में जो एक टोटी का कनेक्शन दिया जाना है उसके लिए कितना चार्ज लिया जाएगा आपसे? हाँ, कितना दिया जाएगा? 50 रुपए। 50 रुपए। क्या नाम है आपका? बालकेश कुमार। बालकेश कुमार जी, ये चीज आप बताइए सबको। हर घर पानी, टोटी के पानी के लिए 50 रुपए देना होगा, ठीक है। आप लोग बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आपके माता पिता पुरानी सोच के हों, तो आप लोगों को उनको जागरूक करना है। क्योंकि आप लोग पढ़ रहे हैं और वो आपको पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसे में आपकी जिम्मेदारी दूनी हो जाती है कि आप अपने साथ साथ उन्हें भी इस चीज की जानकारी दें, ठीक है। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया के लिए, हमारी सरकार ने हम लोगों को ये उपहार दिया है। और जैसा कि सर ने बताया कि 20 रुपए लीटर जो पानी मिलता है मार्केट में मिनरल वाटर, वो पानी हम पीते तो हैं, लेकिन उस पानी से केवल हमारी प्यास बुझती है, हमारे शरीर को कोई तत्व नहीं मिलता, ठीक है। वो प्यास हमारे शरीर में जिन खनिजों की आवश्यकता होती है वो हमें इस पानी के माध्यम से मिलेगा, उस पानी के माध्यम से नहीं, ठीक है। क्लियर है सबको? आपके गांव में, जैसा कि सर ने अभी बताया था आप लोगों को, आपके गांव में कितनी जल जीवन मिशन के अंतर्गत कितनी महिलाओं का प्रशिक्षण हुआ है? आजा बेटा इधर आओ। क्या नाम है आपका? संध्या निशा। हाँ संध्या जी बताइए। हमारे ग्राम पंचायत में 5 महिलाओं का प्रशिक्षण हुआ है जल जात के लिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आप लोग सब इसमें सहयोग करिए, जैसा सर ने बताया कि हाथ कैसे धोना है। पेन आपका कम? नहीं, पेन कम नहीं है सर। कौन सी क्लास में है? सुमन की स्पेलिंग बता दी। ठीक है, क्या नाम है बेटा? शिवांश। सबको बताओ मिट्टी में क्या पाया जाता है? हथेली और लोहा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक बार ताली बजाओ इसके लिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि सर ने आप लोगों को बताया था, जल मिशन योजना के तहत प्रति व्यक्ति कितने लीटर पानी मिलेगा? 55। बहुत बढ़िया, आ जाओ। क्या नाम है? अनुज कुमार। क्या? अनुज कुमार। अनुज कुमार,
अच्छा कोई और बताया था क्या? आ जाओ कौन बताया था? तुम बताए थे कितने लीटर? बहुत बढ़िया। क्या नाम? बोलने का स्टेप बताया। किसको पूरी तरीके से समझ में आ गया वो हाथ उठाए। छह स्टेप किसको समझ में आ गया? चलिए तीन बता दीजिए। चलिए तीन स्टेप बता दीजिए। मतलब तीन तरीका क्या क्या करना हाथ धोने समय? कैसे कैसे धोना है? कैसे धुलना है? आ जाओ बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? नैतिक यादव। बहुत खूबसूरत नाम है बेटा आपका। बताओ जरा सर ने क्या बताया? ऐसे करना है, उसके बाद थोड़ा तेज बोलो। पहले मैं बताता हूँ, पहले आपको हाथ सीधा करना है, ठीक है? फिर हाथ भिगोना है, हाथ सीधा करना है, हैंड वॉश, या सब लोग ध्यान से सुने, साबुन लगाना है या हैंड वॉश लगाना है। उसके बाद आपको झाग बनाना है, ठीक है? झाग बनाने के बाद चारों उंगलियों को फंसाना है, ठीक है? 15-20 बार आपको रगड़ना है। उसके बाद, हाँ बहुत बढ़िया, उसके बाद मुट्ठी बंद करनी है, नहीं ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, देखो ऐसे। उसके बाद फिर क्या करना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उसके बाद अंगूठा ऐसे साफ करना है, ठीक है? उसके बाद नाखून के बाद कोनी, बहुत बढ़िया। क्या नाम है? उसके बाद ताली बजाओ, बहुत बढ़िया। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब की गई? सर ने बताया था शुरुआत में ही, 15 अगस्त। क्या 2000? बहुत बढ़िया, आ जाओ एक बार, ताली हो जाए भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माताजी तो पुरस्कृत होंगी।